समान नागरिक संहिता पर विरोध जताने का सिलसिला जारी है। अब तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति प्रमुख और सीएम के चंद्रशेखर राव भी इसके विरोध में आ गए हैं। केसीआर ने मानसून सत्र में प्रस्तावित होने पर यूसीसी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सांसदों को निर्देश दे दिए हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि दल ने सोमवार को केसीआर से मुलाकात की और उनसे यूसीसी के विरोध में समर्थन मांगा। केसीआर ने कहा कि भाजपा विकास को नजरअंदाज करके राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश रच रही है। हम केंद्र के ऐसे फैसलों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करेंगे जो भारत की एकता और अखंडता को नष्ट कर देंगे। यूसीसी आदिवासियों में भ्रम बढ़ाएगा, इसमें धर्मनिरपेक्षता को खतरा होगा और परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति मानने वाले वर्गों की पहचान को झटका लगेगा। मीटिंग के बाद के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस संसद के मानसून सत्र में प्रस्तावित होने पर यूसीसी बिल का कड़ा विरोध करेगी, साथ ही समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को सपोर्ट करेगी। उन्होंने बीआरएस संसदीय दल के नेताओं केशव राव और नामा नागेश्वर राव को संसद के दोनों सदनों में इससे जुड़ी कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। इससे पहले बोर्ड ने लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लिखे एक पत्र में कहा था कि यूसीसी पर लागू करने का कदम थोपी गई एक रूपता होगी जो संविधान को नष्ट कर देगी और इसकी जगह धर्मतंत्र स्थापित कर देगी। एक रूपता या समानता की आड़ में संस्कृतियों की विविधता को परेशान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।